मत बोक बाबा, ठंड लग रही है, मेरे हाथ लाल पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड है। फिर से ट्राई करती हूँ। Hey guys, welcome or welcome back to my channel. This is me Shivangi and today I'm gonna share the most requested, the highly requested video on my channel. Yes guys, you guessed it right, that is my hair care routine. And first of all, I'm so sorry guys ki is video ko share karne mein itna delay ho gaya, but I hope you can understand kyunki kafi sari cheeze pipeline mein thi and I had to manage everything step by step. So today I'm gonna share my hair care routine along with few tips जो मैं अपने हेयर केयर में फॉलो करती हूँ इन द एंड ऑफ द वीडियो. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. बट बिफोर दैट, मेक श्योर इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन, एंड वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसा लगे. नाउ लेट्स क्विकली जम्प इनटू द वीडियो. सो गाइज, बिफोर आई स्टार्ट माई हेयर केयर रूटीन वीडियो, आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर माई फेवरेट सेट ऑफ हेयर ऑयल, सेट ऑफ सिक्स हेयर ऑयल जो मैं अपनी करेंट हेयर नीड के हिसाब से यूज करती हूँ. एंड यस, इन सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड यस गाइस, मैं कोशिश करती हूँ कि ऑर्गेनिक या कोल्ड प्रोसेस्ड ऑयल ही यूज करूँ. एंड रीजन बिहाइंड कि ऑर्गेनिक या नॉर्मल ऑयल में क्या डिफरेंस होता है, लेट मी टेल यू. ऑर्गेनिक ऑयल, कोकोनट ऑयल हो या कोई भी और ऑयल हो, उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं यूज होते हैं, दे आर मोर नेचुरल. एंड ऐसे प्रोडक्ट क्रीम यूज करो आप, कोई भी स्किन केयर यूज करो, कुछ भी यूज करो, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको बेटर एंड फास्टर रिजल्ट देते हैं एंड मोर सेफ टू यूज एज वेल. So the first hair oil I have with me is this organic coconut oil, and ये मैंने Amazon से लिया है. इसकी काफ़ी सारी bottles मैंने use कर ली हैं. It's been like really long time कि मैं coconut oil के लिए यही oil use करती हूँ. इसका link आपको मेरे description box में मिल जाएगा. And specially winters में मैं अपना makeup remove करने के लिए भी यही coconut ऑयल यूज करती हूँ, एंड बॉडी मसाजिंग के लिए भी यू कैन डेफिनेटली यूज दिस ऑयल. देन नेक्स्ट ऑयल आई हैव विद मी इज दिस कैस्टर ऑयल. दिस इज ऑल्सो अ कोल्ड प्रोसेस्ड, अनरिफाइंड कोल्ड प्रोसेस्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, आई एम सॉरी. एंड ये आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, ब्राउज के लिए, लैशेस के लिए अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है. बट इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक होती है, तो आपको इसे हमेशा बहुत कम क्वांटिटी में किसी भी ऑयल के साथ मिक्स करके ही यूज़ करना होता है, अदरवाइज ये आपके बालों से नहीं निकलेगा शैम्पू के बाद भी. इसे मैं बॉडी मसाजिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ विंटर्स में ऑब्वियसली, एंड मॉइस्चराइजर में मिक्स करके. एंड मैं इसे, आप पूछ रहे थे कि मेरी लैशेस और ब्राउज के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ कोई ऑयल, तो ये मैं यूज़ करती हूँ रैंडमली जब कभी मुझे लगता है कि मेरी फॉल्स, मेरे लैशेस टूट रही हैं या फिर मेरी ब्राउज लाइक उतनी नहीं फुलर लग रही हैं, तो मैं ये रैंडमली यूज़ कर लेती हूँ. एंड मुझे लाइक अप्रॉक्स वीक और टू वीक में रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि नेचुरली भी मेरी लैशेज और ब्राउज इतनी कम नहीं है वॉल्यूम में. सो गाइज, ये बहुत अच्छा कैस्ट्रो ऑयल है, इसे भी यूज़ करते हो मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, एंड ये मेरी दूसरी बॉटल है. देन नेक्स्ट हेयर ऑयल, और ये भी आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा. देन नेक्स्ट हेयर ऑयल आई हैव विद मी इज दिस फिगैरो ऑलिव ऑयल. एंड ऑलिव ऑयल के लिए मैं सिर्फ यही फिगैरो ब्रांड को ट्रस्ट करती हूँ, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो फॉर अदर ऑलिव ऑयल्स लाइक वर्जिन ऑलिव ऑयल्स भी अवेलेबल है. बट दिस इज ऑयल दैट मैं इसे अपने चाइल्डहुड टाइम से यूज कर रही हूँ, बॉडी मसाजिंग के लिए भी, हेयर ऑयलिंग के लिए भी, तो मुझे बहुत सूट करता है, दैट इज वाई आई एम शेयरिंग इट हियर. अदरवाइज आप कोई और भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, कोशिश करो ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा बेटर हो. एंड ये आपको किसी भी ब्यूटी स्टोर पे मिल जाएगा या फिर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, बालों के लिए बहुत अच्छा है एंड स्किन के लिए भी. देन नेक्स्ट ऑयल आई हैव विद मी इज दिस आमंड ऑयल. आप सभी ये जानते ही होंगे, दिस इज हमदर्द रोगन बादाम शेरीन. इसे आप कंज्यूम भी कर सकते हो विंटर्स में, आप इसे दूध में मिक्स करके पी सकते हो. एंड आमंड ऑयल के लिए मैं सिर्फ इसी ब्रांड को ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि इसे भी यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है, तो इसलिए मैं
इसी को ट्रस्ट करती हूँ, दूसरा मैंने ट्राई कभी नहीं किया। एंड बहुत स्वीट सी फ्रेग्रेंस होती है इसकी, एंड बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, हेयर के लिए, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। जितने भी मैं हेयर ऑयल दिखा रही हूँ, काफ़ी सारे इसमें से स्किन के लिए भी अच्छे हैं। सो दिस इज रियली मस्ट हैव ऑयल वाले सेक्शन में से आता है। एंड ये भी आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा या किसी भी ब्यूटी स्टोर पे, मेरे यहाँ पे ये ब्यूटी स्टोर पे इजीली मिल जाता है। एंड इसकी मैं बड़ी बॉटल रखती हूँ हमेशा। देन दी लास्ट और द सेकेंड लास्ट इज दिस फिश ऑयल, इसे मैं फिश ऑयल भी कहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, काफ़ी लोग इसे फिश ऑयल भी कहते हैं। ये इस तरह की कुछ कैप्सूल्स होती हैं, ये सी कॉड लीवर कैप्सूल्स हैं, आई थिंक ये फिश ऑयल से बनी होती है, दैट इज़ वाई इसे फिश ऑयल कहते हैं। इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन डी, ओमेगा 3, ये इंग्रेडिएंट बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत 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 ज़रूरी होते हैं। स्पेशली अगर आपको फास्टर हेयर ग्रोथ चाहिए, आप में से कोई पूछ रहा था कि बाल जल्दी कैसे बढ़ाने हैं, तो ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। आप इसे हेयर ऑयल में मिक्स करके यूज़ करो। आई वुड रेकमेंड कि गर्मियों में कम यूज़ करो क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। सर्दियों में इसे आप यूज़ करो, इसे कंज्यूम भी किया जाता है सर्दियों में, गर्मियों में नहीं, बट डॉक्टर के रेकमेंडेशन से ही आप इसे कंज्यूम करो। हेयर ऑयलिंग के लिए तो बेस्ट है। मैं इसकी एक या दो कैप्सूल आपको इसे पोक करके आप ऑयल में मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। इट वर्क्स मैजिकली, ट्रस्ट माय वर्ड्स, बहुत अच्छा काम करता है। एंड मुझे ये मस्ट हैव में से है, मैं हमेशा अपने जो 6 ऑयल दिखा रहे हैं इसमें हमेशा ये होता है। ये मेरी दूसरी बॉटल है एंड ये आपको मेडिकल स्टोर्स पर ही मिलती है। इसमें आपको 110 कैप्सूल्स मिल जाती है शायद 265 रुपये में। देन द लास्ट हेयर ऑयल, एंड इसे यूज़ करते हुए मुझे बाय द वे काफ़ी टाइम हो चुका है, इसीलिए इतने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देन द लास्ट हेयर ऑयल विद मी इज दिस गुड वाइब्स नीम कैरियर ऑयल। इसे यूज़ करते हुए मुझे हालांकि कम टाइम हुआ है, बट मैंने इसे अच्छा खासा टाइम यूज़ किया, दैट मीन्स इट्स बीन 6 to 7 months हो चुके हैं। मेरी सिस्टर भी इसे यूज़ करती है एंड दिस वर्क्स गुड अगर आपकी फ्लेकी स्कैल्प है, स्पेशली इस विंटर्स में हो ही जाती है, मेरी भी हो जाती है, फ्लेकी स्कैल्प है, ईचीनेस है, एंड अगर जुए वगैरह की भी प्रॉब्लम है तो ये उसे भी ट्रीट करता है। एंड ये आपको purple.com पे मिल जाएगा क्योंकि ये गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है, तो purple.com पे ही मिलता है। सो ये थे मेरे सारे हेयर ऑयल के सेट, एंड नाउ लेट्स मूव फॉर माई हेयर केयर रूटीन। सो गाइस, मैंने यहाँ पर अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से 2 tablespoons ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल लिया है। देन क्योंकि ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने में हेल्पफुल होता है, इट नरिशेज अवर स्कैल्प एंड हमारे बालों की ग्रोथ को भी फास्टर रखता है। एंड उसके बाद मैंने इसमें मिक्स किया है ऑलिव ऑयल, इट हाइड्रेट्स अवर स्कैल्प। एंड इसके बाद मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ नीम कैरियर ऑयल। ये जो भी स्कैल्प अगर मेरी फ्लेकी है, इरीटेशन वगैरह है, उसे क्योर करेगा। एंड देन आई एम adding just a tablespoon of Kapiva Ayurveda gel, this is aloe vera gel, and इसे अच्छे से mix कर दूंगी। मैंने इसमें aloe vera gel इसलिए mix किया है so that कि जो भी मेरे hair हैं वो थोड़े से hydrated और soft और shinier हो। then I will mix it well so that कि application में एक ये thick paste मुझे मिल जाए। and उसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए गर्म पानी के bowl में रखा है so that कि ये एक hot oil हो जाए। एंड हॉट ऑयल हमेशा हमारे हेयर के लिए ज़्यादा बेटर होता है। गाइस, डू नॉट प्रेफर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव करने से जो भी उस पर्टिकुलर ऑयल की गुडनेस है वो उसमें नहीं रहती है, एंड दैट विल नॉट गिव यू दैट गुड रिजल्ट जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे। देन बिफोर ऑयलिंग आई ऑलवेज कॉम माई हेयर सो दैट कि ऑयलिंग के टाइम पे बाल मेरे उलझे ना, इसे ऑयलिंग में भी ईज आउट होता है। एंड साथ ही साथ जो भी आपके बाल मतलब टैंगल्ड हैं वो टैंगल फ्री हो जाते हैं। सो अच्छे से कॉम करने के बाद आई विल अप्लाई दिस हेयर ऑयल। एंड गाइज, ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले शूट कर लिया था, बट मैं उसे एडिट नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। सो फाइनली बाल मेरे कॉम हो गए हैं एंड नाउ यू कैन सी कि अब इसमें कोई भी टैंगल्स नहीं है। सो हेयर ऑयल अप्लाई करने जा रही हूँ। इसे थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, ये अभी भी हॉट है ठीक ठाक,
बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है आपको, मतलब हल्का सा गर्म करना है। हॉट ऑयल इसलिए क्योंकि ये आपकी स्कैल्प में अंदर तक जाकर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करता है, जिससे कि आपके बालों की प्रॉब्लम सॉर्ट होगी। तो इस समय मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ, पहले रूट पे लगाया है, देन अब इसके बाद मैं हेयर टिप्स पे लगा रही हूँ, एंड जो बैक सेक्शन होता है जस्ट नेक के ऊपर उधर पर भी आपको अच्छे से बैक साइड पे अप्लाई करना है हेयर ऑयल। देन उसके बाद मैं अपने पूरे बालों का एक बन बना रही हूँ आफ्टर मसाजिंग इट वेल, एंड आई विल लीव इट 30 to 45 मिनट्स। अगर टाइम ज़्यादा होता है तो मैं 1 घंटा भी छोड़ देती हूँ। देन गाइज, आप इस तरह की एक हीट कैप ले सकते हो, इसे रिसेंटली मैंने अमेजोन से लिया है, वो भी मैं हॉल आपसे जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। सो ये बेसिकली आपको जस्ट प्लग इन करना होता है एंड ये कैप हीट हो जाती है, तो अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा एंड आपको ऑयल ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अदरवाइज़ आप यार एक टॉवल भी, हॉट टॉवल भी ड्रिप कर सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू, एंड ऑल्सो आप एक शावर कैप भी पहन सकते हो। सो गाइज, बाल वॉश करने पे आते हैं। तो बाल वॉश करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर वाओ का एप्पल साइडर वेरियंट, मैंने शैम्पू पिक किया है एंड मैं वाओ का एप्पल साइडर वेरियंट ही यूज़ कर रही हूँ। इट्स बिन रियली लॉन्ग टाइम कि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, एंड गाइज मैं इस तरह से मग में पानी के साथ मिक्स करके यूज़ करती हूँ, एंड दिस इज़ अ राइट वे ऑफ वॉशिंग योर हेयर। और हेयर वॉश करने का सही तरीका ये होता है कि उसे शैम्पू पहले एक मग में पानी के साथ मिक्स कर लो। अदरवाइज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो तो या तो अपने शैम्पू स्कैल्प पे या सर पे पोर कर लेते हैं या डायरेक्टली बालों में लगा लेते हैं, उसे कुछ नहीं होता यार, वो मतलब एक तो शैम्पू ज़्यादा लगेगा एंड आपके बालों में कहीं ना कहीं वो शैम्पू छूट जाता है, दिस इज़ नॉट राइट वे। उसके बाद अच्छे से मैं हेयर वॉश कर ले रही हूँ यहाँ पे, एंड अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है तो मैं हेयर मास्क भी अप्लाई करती हूँ, बट जनरली मेरे पास नहीं होता है। तो यार ये भी कह सकते हो मैं थोड़ी सी लेजी हूँ इन सब चीज़ों में, तो मैं मंथ में 2 बारी वैसे तो यूज़ करना चाहिए, बट मैं हार्डली शायद 1 बारी यूज़ कर पाती हूँ, तो इस बारी कंडीशनर ही यूज़ कर रही हूँ। बालों से एक्सेस वाटर अच्छे से मैंने हटा दिया है, एंड उसके बाद वाओ का कंडीशनर कोकोनट एंड एवोकाडो वेरिएंट पिक किया है, इसे अप्लाई करने वाली हूँ। स्कैल्प पे नहीं करूँगी, टिप पे करूँगी, और ये टोटली पैराबेन सल्फेट फ्री है एंड दिस इज़ गुड फॉर कलर ट्रीटेड हेयर, एंड मेरे कलर और केमिकली दोनों ट्रीटेड हेयर हैं, सो मुझे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, दो फिर भी ये मेरा रेगुलर रूटीन है, हेयर केयर रूटीन है जो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड इसे टिप पे लगाने के बाद जो भी मेरे पास लेफ्ट ओवर कंडीशनर बचता है मेरे हाथ में, उसे मैं अपने जो ऊपर के बाल हैं बस वहाँ पर ऐसे अप्लाई कर लूँगी। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि विंटर्स में जब कभी भी ये कंडीशनर स्कैल्प पे लगाती हूँ, रूट पे लगाती हूँ, वैसे आप इसे रूट पे लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, इसमें इंस्ट्रक्शंस में लिखा है, बट विंटर्स में मेरी स्कैल्प थोड़ी सी ड्राई या फिर डैंड्रफ टाइप सब फील होने लगता है मुझे। तो अब इसके बाद मैंने बना लिया है बन एंड शावर कैप से इसे कवर कर दे रही हूँ मैं 10 से 12 मिनट के लिए। वैसे तो 15 मिनट के लिए भी करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, रिजल्ट आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा, बट यार उतना टाइम नहीं होता है, सच बताऊँ तो रेगुलर हेयर केयर रूटीन में बिल्कुल टाइम नहीं होता है। अच्छा, जब तक मेरे पास 10-12 मिनट है तब तक मैं अपनी कोम क्लीन कर ले रही हूँ यूजिंग दैट सेम शैम्पू, और ये मेरा रूटीन है, जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ मैं हमेशा अपनी कोम क्लीन करती हूँ, ये मेरा बहुत टाइम का रूटीन है, मतलब इसे मैं काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ, ऐसे ही करती हूँ मैं, क्योंकि इससे मेरा कंडीशनर को भी टाइम मिल जाता है एंड साथ ही साथ मेरी कोम भी क्लीन हो जाती है। और उसके बाद अब जस्ट मैं वाटर से कंडीशनर है उसे रिंस ऑफ कर दूंगी। इसमें समय में कोई भी शैम्पू या कुछ भी और चीज़ आपको अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड इस तरह का मैं एक कॉटन टावल यूज़ करती हूँ, एंड इस तरह का टावल इसलिए यूज़ कर रही हूँ, आप बोलोगे ऐसे टावल क्यों, इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो नॉर्मल टावल होता है ना उसमें होता पानी अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता है एंड वो आपके बालों को और ज़्यादा टैंगल्ड करता है, सो दैट इज़ वाई आई यूज़ दिस काइंड ऑफ टावल। और यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर अ टी शर्ट, कॉटन टी शर्ट, उसे अच्छे से पानी सोख हो जाता है एंड बाल भी फ्रिजी नहीं होते। एंड और सीरम, आई एम यूजिंग दिस स्ट्रीक्स सीरम, और आप वैसे मैं लीवॉन का भी पिंक सीरम यूज़ करती हूँ, तो अभी मेरे बाल गीले हैं इसमें मैं बिल्कुल भी कोम नहीं करती हूँ, एंड आई वुड से कि मैं थ्रू आउट अ डे कोम नहीं करूँगी अनलेस आई नीड टू गो आउटसाइड। एंड अब मेरे बाल
बाल ड्राई हो गए हैं, तो अब मैं जस्ट फिंगर कॉम्बिंग करूँगी एंड उसी से ही मेरे बाल सुलझ जाते हैं, क्योंकि मैं हेयर ऑयलिंग से पहले भी कॉम्ब कर लेती हूँ तो टैंगल्ड रहने के चांसेस कम होते हैं। नाउ गाइज यू कैन सी कि मेरे बालों में कोई भी उलझन या फिर फंसे हुए बाल नहीं है। सो गाइज ये था मेरा हेयर केयर, नॉर्मल रेगुलर हेयर केयर रूटीन। So guys, now it's time for few tips. So tip number one is do not use too cold or too hot water to wash your hair. Reason behind is it's gonna rip off the moisture from your hair and frizzy or dry hair ki problem aur badhegi. Now the tip number two is I always trim my hair every quarterly. मैं अपनी हेयर ग्रोथ के हिसाब से क्वार्टरली अपने बाल ट्रिम करती हूँ, कभी कभी 4 मंथ्स के बाद भी करती हूँ। आप अपनी हेयर ग्रोथ के हिसाब से, जो भी आपकी हेयर ग्रोथ आपको अलाउ करे, आप अपने बाल ट्रिम कर सकते हो। इससे जो भी डेड हेयर है वो रिमूव हो जाते हैं। टिप नंबर 3 इज डू नॉट ट्राई टू डिटैंगल योर वेट हेयर, लेट योर हेयर एयर ड्राई। कोशिश करें कि हेयर ड्रायर ना यूज करें एंड देन उसके बाद आप फिंगर कॉम्बिंग की हेल्प से अपने बाल डिटैंगल कर सकते हो, फिंगर्स की हेल्प से आप उन्हें सुलझा सकते हो। गाइज मैं जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कॉम्ब ना यूज करूँ। अगर मुझे कहीं बाहर नहीं जाना होता है तो मैं उस पर्टिकुलर डे कॉम्ब नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि गीले बालों में बाल सुलझाने से बाल ज्यादा टूटते हैं। दैट विल डेफिनेटली लीड्स टू हेयर फॉल बिकॉज रूट उस समय ज्यादा कमजोर होती है। तो आप गीले बालों में आई वुड रेकमेंड की कॉम्बिंग या डिटैंगल ना करिए। एंड टिप नंबर 4 इज ऑलवेज क्लीन योर कॉम्ब रेगुलरली। मैं अपनी कॉम्ब जब भी मैं अपने बाल वॉश करती हूँ, हेयर वॉश करते टाइम जितना टाइम मैं कंडीशनर को देती हूँ उतने टाइम में मैं अपनी कॉम्ब क्लीन कर लेती हूँ। एंड यस गाइस मैं उसी टाइम पे मींस पिलो कवर भी चेंज कर देती हूँ, बिकॉज साफ बाल, गंदी कॉम्ब, गंदी पिलो कवर डजंट मेक एनी सेंस। एंड ऐसा देखा भी गया है कि गंदी कॉम्ब यूज करने से कभी कभार इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसी कॉम्ब को आप रेगुलरली यूज कर रहे हो तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। सो मैं डिटॉल की हेल्प से, शैम्पू और ब्रश की हेल्प से अपनी कॉम्ब हमेशा क्लीन रखती हूँ, बिकॉज प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एंड टिप नंबर 5 इज मैं एक इस तरह का सैटिन क्लॉथ यूज करती हूँ, बिकॉज दिस इज द फैब्रिक जिसमें आपके बाल उलझते नहीं है। तो इस तरह का फैब्रिक मैं यूज करती हूँ, क्लॉथ यूज करती हूँ अपने पिलो के ऊपर सोते टाइम। ऑब्वियसली इससे मेरे बाल ज्यादा टैंगल्ड नहीं होते हैं एंड सुबह फ्रिज फ्री रहते हैं, जितना कि अगर मैं कंपेयर करूँ किसी भी नॉर्मल क्लॉथ से, कॉटन हो, वूल हो, कोई भी मटेरियल हो, उसमें बाल ज़्यादा उलझते हैं। सो दैट इज़ वाई आई यूज दिस काइंड ऑफ सैटिन क्लॉथ ओवर माई पिलो कवर सो द टाइम सो दैट कि बाल मेरे टैंगल ना हो। सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट माई हेयर केयर रूटीन विथ फ्यू टिप्स एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर सेल्फ। सो गाइज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड यस फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस कर सकते हो वो बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन एंड नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन यू गाइज टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी न्यू ईयर, बाय।